फ्लाइट से चीन को बड़ी चेतावनी। अमेरिका ने दी चीन को चेतावनी। बाइडेन बोले खतरे से न खेले चीन। ताइवान पर चीन अमेरिका में तनातनी। टोक्यो में क्वाड समिट की तारीख 24 मई तय की गई थी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका और चीन के बीच वॉक युद्ध देखने को मिलने लगा। ताइवान को लेकर दोनों में तनातनी होने लगी है। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष चिंतन करने के लिए जुटे हैं। इन सभी देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान बाइडेन ने चीन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। बाइडेन से साफ शब्दों में कह दिया कि अमेरिका ताइवान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ताइवान को चीनी आक्रमण से बचाने में मदद करेगा। यानी बाइडेन ने दो टूक शब्दों में ताइवान को लेकर चीन को चेतावनी दी और कहा कि चीन ताइवान की सीमा में घुसकर खतरे से खेल रहा है। जापान के पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता को लेकर जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। जापान के पीएम ने कहा कि चीनी नौसेना की हालिया गतिविधियों और चीन के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर हमारी कड़ी नजर है। चीनी चाल के चलते क्षेत्र के हालात में परिवर्तन होने का खतरा है, जिसका विरोध करने पर हम में सहमति है। यानी अमेरिका के साथ साथ जापान ने भी चीन को खरी खरी सुना दी है। देखिए, अपने रिवाइवल के बाद पिछले 5 साल में क्वाड ने एक स्पेसिफिक शेप ली है और इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सब खुल के सामने आ चुके हैं, और वो ऑब्जेक्टिव है चाइना को कंटेन करना। थ्योरेटिकली एक पीसफुल ओपन इंडो पैसिफिक रीजन विच इज़ प्रॉस्परस, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन भावना इसके पीछे यही है कि चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है, और इसी दिशा में ये क्वाड का जो इंटरेक्शन है इसका लेवल बढ़ा के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट तक लाया गया है। और क्वाड 3 समिट में काफ़ी हद तक फोकस इस बात पर रहेगा कि अब तक जो हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले वक्त के लिए कोई फ्रेमवर्क दिखाया जाएगा। उधर चीन इस समिट पर और समिट के मुद्दों पर कई निगाह रख तो रहा है, लेकिन बेपरवाही दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया ये ना समझे कि चीन क्वाड समिट से घबरा गया है। और यही वजह है कि चीन क्वाड समिट से पहले ही अपने मंसूबे दिखाने लगा है। चीन ने कहना शुरू किया है कि ये समिट अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकेगी। चीन का मानना है कि अमेरिका ने स्वतंत्रता के नाम पर इंडो पैसिफिक रणनीति बनाई। क्वाड का इरादा चीन के आसपास के माहौल को बदलने का है। अमेरिका चीन की विकास यात्रा को रोकना चाहता है। अमेरिका वास्तव में ताइवान और दक्षिण चीन सागर कार्ड खेल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड समूह बनाया, जो कि इंडो पैसिफिक की भावना पर जोर देता है, जबकि चीन उस क्षेत्र को एशिया पैसिफिक कहता है। चीन करीब करीब पूरे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी उसके कुछ कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं। चीन का पूर्वी चीन सागर में पान के साथ भी विवाद है। ऐसे में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि को नियंत्रित करने और साथ ही मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की जरूरत पर बल देते हैं।